रिएक्शन ऑन योर न्यू रोस्ट वीडियो. ओके ठीक है भाई, मैंने ही बनाई है, मैं ही उस पर रिएक्ट कर देता हूँ. अच्छा है, पहले एक वीडियो बना के डालो फिर उसी पे ही रिएक्ट करो. हेट को तू नमस्कार, मेरा नाम है बबीता धुएबे. पहले मैं कुछ नहीं करती थी लेकिन फिर मैं बिग बॉस में चली गई. उसके बाद और मैं अभी भी कुछ नहीं करती हूँ, ट्विटर पे पेड कैंपेन्स चलवाती हूँ दूसरों के अगेंस्ट. मैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई, बहुत ही ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा कि मैंने पूरे बिग बॉस में पूजा जी के पीछे लग लग के उन... फनी पार्ट तो ये है, वो पेड कैंपेन में 5-6 हजार कुछ लोग थे, मतलब 5-6 हजार ट्वीट्स थे उसमें. फिर उसके बाद पांडा गैंग और लसन गैंग आई और उन्होंने उसकी रिस्पॉन्स में ट्वीट करने शुरू करे. उस पर 1-1 लाख ट्वीट्स थे. तो लोग कह रहे हैं कि आपका क्या रिएक्शन है. अबे 5,000 अगर कोई तुम्हारे अगेंस्ट बोल भी रहे हैं, शेम ऑन मलान ब्रदर्स. ओ भाई, शेम ऑन मलान ब्रदर्स, शेम ऑन मी भाई. छी थू थू, छी पू पू, आय हाय आय, छी, शेम है भाई, शेम, शेम, आय हाय, शेम, शेम. अब वो गेम ऑफ थ्रोन्स वाली वॉक भी करके दिखाऊंगा, शेम वाली घंटी लेके. शेम, शेम, शेम. कुछ भाई पेड ट्वीट करने वालों के शेम शेम लिख लेने से डूब मरता हूं मैं भाई, अब शर्म के मारे. शेम, शेम. अबे उसके रिस्पांस में जो 4 और पता नहीं कितने 3 और ट्रेंड चलाए और उस पे क्या कहते हैं 1-1 लाख से ऊपर ट्वीट्स थे सपोर्ट में, तो वो फिर समुद्र में 4 बूंद पानी से मेरे को क्या ही फर्क पड़ने वाला था. शेम, चीची, पुपु, तुतु. उनके मिन्नते कर करके उनकी 4 फिल्मों में चुड़ैल का रोल ले लिया है अब. तो बबीता जी धुएं में एक बात बताइए, आजकल आप क्या कर रही हैं? आजकल मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, काम की बहुत ज्यादा कमी हो गई है तो सोशल मीडिया पे बैठ कर अफवाह. और लेकिन अगर उसके बावजूद भी किसी को मेरा उस पेड वाली चीज पे रिएक्शन चाहिए तो this is too legendary man. पाए फैला रही हूँ कि तू फुकरा इंसान मुझसे obsessed है. अभिषेक एंड मनीषा टॉक्सिक. तो एक बात ब्रो, किसी इंसान का ऑरा ही ऐसा हो ना कि वो बंदा सिर्फ नेगेटिविटी अट्रैक्ट करे, नेगेटिविटी स्प्रेड करे, नेगेटिविटी नेगेटिविटी ही फैलाए, बातें भी वही करे, तो उसको लगता है कि हर कोई वही कर रहा है. दैट्स सिंपल रिस्पॉन्स इसके लिए, इन मोहतरमा के लिए. जब एक इंसान सिर्फ नेगेटिविटी ही सोचता है, अट्रैक्ट करता है, स्प्रेड करता है, ऑल दे थिंक इज के एवरीबडी इज लाइक देम, एवरीबडी इज नेगेटिव. अबे तेरे को कोई देख भी नहीं रहा, कोई भाव भी नहीं दे रहा. मैडम आपको मैं फॉर रियल इस इंसान के साथ घर पे रहता हूं मैं. बिग बॉस से वापस आने के बाद ना, यू आर द लास्ट थिंग जिसके बारे में उसने कभी बात करी हो. नहीं, इफ यू आर द लास्ट थिंग ना जिसके बारे में बात करनी होती तो भी उसने नहीं करी. Dude, why would anybody even think about you, man? आपके बारे में आपके खुद के आस पड़ोस वाले सोच ले, वो ही बहुत है. बताइए आप आजकल रहते कहाँ हैं? आजकल मैं गलत फैमिली में रहती हूँ. बिग बॉस ये लेजेंडरी था भाई. आप आजकल रहते कहाँ हैं? आजकल मैं गलत फैमिली में रहती हूँ. बिग बॉस के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? बिग बॉस के बाद मैं तो हैरान था, इसके भी 2-4 वो हैं फैन पेजेस भाई. नहीं, मैं नहीं मानता. एक कोई मेरे को मेंशन करके बोलता है, फायदा क्या हुआ आईआईटी से ग्रेजुएशन करने का जब यूट्यूब पे बैठ के रोस्ट वीडियो ही बनानी थी. एंड आई वाज लाइक डूड, तू बेबी का फैन पेज बना के बैठा हुआ है, तू मेरे को कुछ बोल भी कैसे सकता है? Oh my god. F-
फैन पेज पर बेबी का धुएं में कुछ फायदा तो हुआ नहीं, पॉपुलैरिटी आई नहीं, तो मैं प्रिटेंड ही कर लेती हूँ कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ। अब किस्मत कर दियो मुझे। वो तो मुझे पता है कि पूरे शो की, बिग बॉस की टीआरपी आप ही की वजह से रही। बिल्कुल। एक्चुअली मैं बताता हूँ तुम्हें, जो वो ट्रेंड चला ना, मैंने तो उसको पॉजिटिवली लिया कि भाई मेरी वीडियो में दम था कि इतनी आग लग गई सामने वालों में कि भाई साहब पेड कैंपेन चलाने पड़ रहे हैं अगले को। शीम थू थू चीजी बुबू। अबे भाई साहब कुछ तो बात थी ना इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो पर नियॉन मैन विनर आप ही थे। मैं ही जीती हूं। मैं भाई ऐसा है, तुम बहुत टाइम तक कभी किसी चीज को इग्नोर कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, लेकिन वो चीज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अबे 7 महीने कुछ होने वाले हैं बिग बॉस खत्म हुए, तेरी घड़ी वहीं पे अटकी हुई है, तू वहीं पे ही बैठी हुई है, तू सिर्फ वही चीजें बोलती रहती है, वही चीजें करती रहती है। तो फिर एक पॉइंट आता है जिसके बाद इंसान कहता है भाई अब तेरा बहुत हो गया, नाउ टेक दिस। तो ये वो है, वो 6 महीने से जो आप कर रहे हो, आपको किसी ने भाव तक नहीं दिया, आपकी तरफ देखा नहीं, आपके बारे में बात नहीं की गई बिग बॉस खत्म होने के बाद से लेके अब तक, लेकिन आप पोक करे जा रहे हो। तो भाई लो फिर अब एक वीडियो, भाई तुम हर बार हर इंटरव्यू में हर जगह पे ऐसी ऐसी बातें करते हो, लेकिन एक वीडियो ने इतनी आग लगा दी कि पेड कैंपेन चलाने पड़ गए, पेड एक्चुअल पेड कैंपेन। जली ना तेरी भी जली ना मुझसे जलता है बस। पर मैं तो रिपोर्टर हूँ ना बबीता जी, विग लगा लेने से मैं बबीता और टोपी लगाने से तू रिपोर्टर तो बन नहीं जाएगा बुगरे। तू अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझता है, मैं तेरे को सच बताती हूँ। देख दुनिया जो है वो ऐसा बोला जाता है पृथ्वी जो है सूरज के आसपास घूमती है ना। अबे बकवास है सब, दुनिया क्या सूरज क्या ब्रह्मांड पूरा यूनिवर्स मेरे आसपास घूमती है, सब कुछ मेरे अराउंड। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बिग बॉस को आप जीते नहीं बबीता जी। हाँ जी आ जाइए ट्राई। शेम 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 घंटी बजाओ साथ में, वॉक ऑफ शेम करेंगे अब। भाई भाई यार ट्विटर वाले लोगों ने बोला है भाई शेम शेम है मेरे पे भाई, अब तो करना पड़ेगा शेम शेम वॉक ऑफ शेम गेम ऑफ थ्रोन्स। यस शी कम्स बिफोर यू विद अ सॉलेम हार्ट शोन ऑफ सीक्रेट्स naked before the eyes of gods and men to make her walk of atonement. Shame. Chal, baju, awaaz to aa. Are aayi nahi awaaz. Aayi rahi. ट्विटर वालों ने बोला है भाई, ट्विटर में बैठे हुए एक बहुत ही ज्यादा जरूरी इंसान ने बोला है भाई शेम है। ट्विटर वालों के लिए भाई शेम 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 वॉक ऑफ शेम भाई। एक बार फिर से शेम शेम भाई यार भाई ट्विटर पे बैठे हुए भाई वो पेड ट्रेंड चलाने वालों ने बोला था शेम है भाई, शेम बहुत शेम शेम है भाई, चीची बोबू शेम।